Hello students, how are you all? Hope fine. Myself Deepa Pillai, and from today onwards I will be taking your Hindi subject. Today we are going to start a new chapter of your textbook, page number 36, Abraham Lincoln. We are talking about the famous person Abraham Lincoln. First we will go through mind map. Abraham Lincoln, आज़ादी का मसीहा, उनका जन्म बचपन से ही शक्तिशाली, पढ़ाई का शौक, अमेरिका के प्रथम नागरिक, मसीहा ऑफ फ्रीडम. हिज बर्थ, ही वॉज पावरफुल फ्रॉम चाइल्डहुड, ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ही बिकेम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका. अब्राहम लिंकन. विश्व का सबसे ताकतवर देश किसे कहा जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? हम किस प्रकार से उच्च पद या सफलता हासिल कर सकते हैं? जहां चाह होती है वहां राह भी बन जाती है. अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन ने कड़े परिश्रम व लग्न के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया. कैसे? पाठ पढ़कर जानते हैं. अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है. अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है. अमेरिका में पहले दास प्रथा थी. वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था. लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था. उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई. विच इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड? हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका? हाउ कैन वी अचीव सक्सेस इन लाइफ? Where there is a will, there is a way. Despite of belonging to a very poor family, Abraham Lincoln became the first citizen of America due to his hard work and dedication. Let's read the chapter and find out how he achieved success. Abraham Lincoln is considered or addressed as the Messiah of freedom. His name is taken with great respect in the United States of America. In earlier days, there was practice of slavery in America. The life of the people who were brought from Africa as slaves was very bad. Lincoln used to feel really bad about those people. He was against this act of slavery. And because of him, there was abolishment of slavery in America. In this, we have read about Das Pratha. Das Pratha kya hoti hai? Slavery culture. In the 19th century, the slavery culture was very famous, like how animals are bought and sold. Similarly, at the time they used to buy and sell human beings. They were made to work so hard like animals. अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था. उनका परिवार बहुत गरीब था. सब एक झोपड़ी में रहते थे जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी. छत टूटी हुई थी इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था. लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी. अब्राहम वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड पिजन क्रीक. हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर. They used to live in a small hut with broken windows through which cold air would enter into their hut. The roof of the hut was also broken
and had cracks. So water would enter into their hut through these cracks in the rainy season. Most of the times there would be shortage of food in his house. अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था. अब्राहम की ताकत को का लोहा सब मानते थे. वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था. एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खम्बा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था. अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी. उसने खम्बे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रख आया. सभी उपस्थित लोग यह देख बहुत प्रभावित हुए. सिंस चाइल्डहुड डेज अब्राहम लिंकन वॉज वेरी पावरफुल. ही यूज टू डू ग्रेट थिंग्स विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. Once upon a time, few people were supposed to lift a pole, but they weren't able to do it. When Abraham saw this, he wanted to help them. He took the pole on his shoulders and put it in its right place. Every single person who was present there was greatly influenced by it. Abraham ko hasi mazak bahut pasand tha. उसके पिता जब कलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते. काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता जिन्हें देख सब लोटपोट हो जाते थे. पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था. अब्राहम वॉज फॉन्ड ऑफ क्रैकिंग जोक्स एंड हैविंग फन. When his father went to the barn, he used to take Lincoln along with him. He used to do different kinds of naughtiness there and made people laugh. On visiting the church with his father, he would listen to the priest carefully. वह पढ़ाई में होशियार था. उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था. जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था. वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्दशः मित्रों को सुना देता. लड़के बड़े अचरज से उसे देखते. पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे. वह दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था. वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता था, किताब पढ़कर बेच देता और नई किताब खरीद लेता. रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था. He was very smart and good in his studies. He was fond of reading too. He learned by heart every single chapter he read. He would take book from his friends, read it and tell word to word from the page to his friends. All the boys would look at him with surprise. He had only one problem in his studies. He did not have money to buy books. Since he used to work the entire day in the fields, he did not get time to study. He would sell the books he already read, and from that money he would buy new books. As there was no oil to lit the lamp at his home, he used to read under the street lights. एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा. उसकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ. उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी. धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी
सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगा। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। One day, a well-known nobleman saw Lincoln reading under the street light. Seeing his diligence, the man was impressed and happy. He gave many books to Abraham. Soon, Abraham started composing beautiful poems and prose. With great difficulty and hard work, he passed the law exam. अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। अब्राहम लिंकन वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। अ डे केम व्हेन ही वॉज चोजन एज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एंड वॉज एड्रेस्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। रीड द चैप्टर थरली। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू वर्क हार्ड एंड टू अचीव सक्सेस। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।